हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो है कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम बना सकते हैं। तो उसमें एक चीज हम नहीं कर पाए थे, सब फॉर्म हम नहीं बना पाए थे, तो सब फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो देखिए, ये कस्टमर की टेबल है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये डेटा टाइप मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर कस्टमर आईडी है जिसे मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, फिर कस्टमर नेम है जिसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, और सिटी को भी शॉर्ट टेक्स्ट रखा है, और यहाँ कुछ डेटा भी फिल कर दिया। अब यहाँ प्रोडक्ट की टेबल है, ये देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल में मैंने क्या रखा है, कैसे रखा है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रोडक्ट, यहाँ पे एक आईडी फील ली है मैंने, फिर प्रोडक्ट नेम लिया, फिर प्राइस लिया, प्राइस को करेंसी डेटा टाइप रखा है, और यहाँ पे आईडी ऑटो नंबर है, और प्रोडक्ट नेम जो है शॉर्ट टेक्स्ट है, और यूनिट को नंबर डेटा टाइप रखा है हमने, ठीक है। और यूनिट को नंबर डेटा टाइप रख करके और यहाँ डबल बना दिया, इट मीन्स की पॉइंट में भी ये वैल्यू ले सकता है। और यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड का प्रयोग किया, कैलकुलेटेड डेटा टाइप का प्रयोग किया, और इसे डबल रखा है मैंने, और प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आया है टैक्स इन परसेंट, तो इसे मैंने नंबर रखा है और डबल बना दिया, क्योंकि टैक्स जो है पॉइंट में भी एंटर हो सकता है। अब यहाँ पर कैलकुलेटेड का प्रयोग किया है, ठीक है। अब कैलकुलेटेड का प्रयोग किया है तो ये कैसे होगा, देखिए इसमें क्योंकि टैक्स 100 पे कैलकुलेट होता है, तो इसको 100 से डिवाइड भी कर देना है, टोटल में ही हमारा टैक्स छिपा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टैक्स इन परसेंट से, और इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हमारा टैक्स कैलकुलेट करके हमें दे देगा। अब क्योंकि एक देखिए ड्रॉपडाउन भी मैंने बना रखा है, ये ड्रॉपडाउन देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 30,400 का माल बिका है या खरीदा गया है, तो इस कंडीशन में 3648 रुपए टैक्स लगा हुआ है। अगर यहाँ से आप टैक्स रेट चेंज कर देते, लाइक 5% कर देते, तो ये 1520 रुपए टैक्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन फील्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कस्टमर टी में जो है कस्टमर आईडी दिख रही है, ठीक है, लेकिन इसमें कहीं भी वो कॉमन फील्ड नहीं दिख रही है कस्टमर आईडी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसे भी यहाँ से राइट क्लिक करके और एक इंसर्ट करवा के इस तरीके से, और यहाँ कस्टमर आईडी एक कॉमन फील्ड डाली जा सकती है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये कस्टमर आईडी हमने एक कॉमन फील्ड डाल दिया, और इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा, क्योंकि यहाँ पर भी शॉर्ट टेक्स्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कस्टमर आईडी नाम की जो फील्ड है, इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा गया यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद A01 आपको देना है, क्योंकि कस्टमर आईडी में हमने A01 ही फिल किया था, तो यहाँ पर भी A01 ही देना है आपको, ये दे दिया A01, और यहाँ पर देना है A02, ठीक है, A02, ओके। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं इजिली, नो प्रॉब्लम। अगर A01 ही है तो A01 ही दे सकते हैं, अगर हो सकता है कि भाई एक ही कस्टमर जो है दो सामान, तीन सामान या चार सामान परचेस कर रहा हो, ठीक है, तो ये दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे कर देता हूँ कीबोर्ड, तो ये कर दिया हमने कीबोर्ड, और यहाँ पे प्राइस दे देते हैं 220 रुपए, और यहाँ पे 23 कीबोर्ड ये परचेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से टोटल आ गया। और यहाँ से आप खाली टैक्स सेलेक्ट कीजिए, ये टैक्स सेलेक्ट किया आपने 10%, तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है, नो प्रॉब्लम। अब ये फील्ड कॉमन ले लेने से क्या होगा कि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट कराएंगे तो उस समय हमें आसानी हो जाएगी। तो डेटाबेस टूल्स पे जाके, फिर रिलेशनशिप पे जाके, और फिर हम आसानी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे, ठीक है। तो दो टेबल्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे ऐड टेबल पे चलते हैं, कस्टमर टी और प्रोडक्ट टी, ये दोनों टेबल्स में एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए ये फील्ड कॉमन है कस्टमर आईडी वाली, ठीक है, तो ये कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से लिंक करा दीजिए, बस ये हो गया काम हमारा। ध्यान रहे कि जब लिंक करवाइएगा तो ये सारे टेबल्स ऑफ कर दीजिएगा, सेव करके ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसे ऑफ भी कर देता हूं, और अब इस कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी से लिंक करा दीजिए, और यहां से इसको टिक करके और यहां से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये एक रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। और रिलेशनशिप क्रिएट होने के बाद यहां से हमें कहां चलना है, हमें यहां से चलना है, सबसे पहले तो हमें क्वेरी बनानी है, ठीक है। तो क्वेरी बनाने के लिए क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद क्या क्या चीजें हमें चाहिए वो चीजें हम ले लेंगे, ठीक है। इस वीडियो में दो तीन लोगों के सवालों के जवाब है। तो यहाँ पर कस्टमर आईडी चाहिए हमें, कस्टमर नेम चाहिए, सिटी भी चाहिए, ठीक है। कस्टमर आईडी तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं अभी, तो इसको हटा दिया। प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस चाहिए, यूनिट भी चाहिए ही चाहिए, तो यूनिट भी ले लेते हैं, टोटल चाहिए, और टैक्स इन परसेंट चाहिए, ठीक है, और टैक्स इन परसेंट के बाद टैक्स अमाउंट भी चाहिए हमें। तो ये सब सारे फील्ड्स हमने ले लिए हैं, और लेने के बाद यहाँ से रन पर क्लिक कर दीजिए। तो रन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब चीज यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आप एंटर करेंगे वो सारी चीजें आती चली जाएंगी इस क्वेरी के अंदर। तो इसे मैं कर देता हूँ सेव एक अलग नाम से, ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ कस्टमर क्यू के नाम से सेव, क्योंकि क्वेरी है तो क्यू कीवर्ड सही रहेगा इसके लिए,
तो कस्टमर क्यू के नाम से इसे सेव कर दिया। अब जो कुछ भी डिटेल आप एंटर करेंगे वो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होती चली जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ रिफ्रेश पर क्लिक करना रहेगा। लाइक यहाँ पे कस्टमर के आते हैं तो कस्टमर की डिटेल यहाँ ऐड करनी है। लाइक यहाँ पे देखिए A03, ठीक है, और यहाँ है अभी, ठीक है, और यहाँ पे देवरिया करता हूँ, हो गया, इसको सेव कर देता हूँ। और फिर प्रोडक्ट में भी कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे कर दिया A03, और इन्होंने क्या खरीदा है, इन्होंने खरीदा है बैक कवर, ये डाल दिया हमने, और एक की कीमत है ₹50 बैक कवर की, और ऐसे ऐसे पांच बैक कवर खरीदे, ठीक है। तो इस पे टैक्स कितना लग गया, टैक्स लग गया इस पे 5% का, तो ₹12.50 यहाँ पे टैक्स आ चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। और अब जबकि ये जो हमने क्वेरी बनाई है, ठीक है, कस्टमर क्यू के नाम से, इसमें खाली आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। ये देखिए ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, ठीक। और यहाँ से रिलेशनशिप पे आते हैं, तो ये रिलेशनशिप इस तरह से कुछ क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप को देखने के बाद हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से फॉर्म विजार्ड पे आ जाते हैं। अब क्योंकि कस्टमर टेबल ही हमारी मास्टर टेबल होगी, तो ये कस्टमर की सारी डिटेल हमें ले लेनी है, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको कस्टमर की सारी डिटेल उठानी कहाँ से है, ठीक है, दोनों टेबल से उठानी है कि क्वेरी से उठानी है, ये भी बात देखने वाली है। तो आप ये भी बात ख्याल रखें, अगर आपको लगता है कि आपको सारी चीजें जो है अलग अलग टेबल्स से चाहिए, तो यहाँ से अलग अलग टेबल्स दोनों दी हुई है, तो कस्टमर की से ये तीनों फील्ड ले लिया हमने, और यहाँ पे प्रोडक्ट की से जो है ये सारी डिटेल हम ले लेंगे, लाइक प्रोडक्ट नेम ले लेंगे, प्राइस, यूनिट, टोटल, टैक्स इन परसेंट और टैक्स अमाउंट, ये सारी चीजें हमने ले ली। यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर कह रहा है ये सब फॉर्म अपने आप जनरेट हो जाएगा कस्टमर टी के बेस पे, यानी कस्टमर टेबल वाला जो है मेन टेबल आपका होगा, ठीक है। आप डेटा शीट जो फॉर्म में चाहिए कैसे चाहिए ये देख लीजिए, और यहाँ पर इसको जाकर के मॉडिफाई डिजाइन पर जाकर के इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रिपेयर होके आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कस्टमर टी आ रहा है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ एक बटन बना लेते हैं जिसकी बात हमने की थी कॉम्बो बॉक्स, तो ये कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिए। और जैसे ही आप ड्रैग करवाएंगे इस कॉम्बो बॉक्स को, तो अब यहाँ पे ये तीनों जो है ऑप्शन आपके पास शो करेंगे, तो ये पूछेगा कि आप किस बेस पे सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कह दिया फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सेलेक्टेड इन माय कॉम्बो बॉक्स, यहाँ पे यस कर दीजिए। अब हम कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च करेंगे बस, और किसी चीज के बेस पे सर्च नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ कस्टमर आईडी के ही बेस पे हम सर्च करेंगे, ये हमने इसे बता दिया है, ठीक है। अब इस पूरे डेटा को कर लीजिए सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद होम पेज पे जाइए और यहाँ से इसे बोल्ड बना दीजिए, और ये बना दीजिए डार्क में, ये डार्क में बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के बाद अगर ऊपर के हिस्से का भी कलर आप बदलना चाहते हो तो यहाँ से जाकर के आप बदल सकते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगता हो वो कलर आप रख लीजिए अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। अब ये सारी चीजें करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आया हुआ है, इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर के आपको लगता है कि इतने बड़े की हमें जरूरत नहीं है तो यहाँ से आप इसको छोटा कर लीजिए। नीचे आप चाहे तो बटन्स बना सकते हैं, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि बटन्स कैसे बनाते हैं, फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ कि बटन कैसे बनाना है। यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो बटन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है 4x लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिए माउस को। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, यहाँ पे पूछ रहा है आपको करना क्या है, तो हम कह रहे हैं कि फाइंड अ नेक्स्ट रिकॉर्ड, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड को खोजने के लिए बटन बन जाएगा, हमें टेक्स्ट दिखाई पड़े हम ऐसा चाहते हैं, और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बटन क्रिएट होने के बाद अगर और भी कोई बटन आपको बनाना हो, लाइक डिलीट करने का, ऐड करने का रिकॉर्ड को, तो यहाँ से ड्रैग करके फिर वो भी कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ से जैसे एप्लीकेशन से क्विट होने का बटन हम बनाना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन से क्विट होने के लिए बटन बन करके तैयार है आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसकी शेप एंड साइज हम बना देते हैं लगभग ऐसे ही जैसे कि ये दिख रहा है, इसके लिए आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मेट प्रिंटर यूज किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए सेम शेप एंड साइज का ये भी हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ओके। तो अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है आपको, तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। डिजाइन व्यू पर ये कैसा दिखाई पड़ रहा था, ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म की प्रॉपर्टी खुल जाती है। तो यहाँ कुछ बेसिक सेटिंग्स है, उसे मैं कर लेता हूँ और फिर यहाँ से सेव कर देता हूँ इसको, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये आपकी फॉर्म जो है ओपन हो चुकी है कस्टमर के बेस पे, ठीक है। और यहाँ से जाकर के आप सर्च कीजिए, अगर आप कस्टमर आईडी A02 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल डिटेल A02 वाला आएगा, ठीक है। क्योंकि फिल नहीं हुआ है तो यहाँ पे डेटा लाइक यहाँ पे देखिए, ये कस्टमर टी है और ये प्रोडक्ट टी है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट टी वाला डिटेल है ये फिल नहीं किया गया, A03 है, A02 तो है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं A02 के लिए भी इन्होंने भी कुछ परचेस किया है या सेल किया है, तो ये चीजें मैं अगर यहाँ पे फिल कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ मैं ईयरफोन, ठीक है, ईयरफोन। तो इन्होंने ईयरफोन जो है परचेस किया है, रिफ्रेश होके आ जाएंगी। अब यहाँ पर जब देखेंगे आप, तो यहाँ पे अगर A02 करते हैं तो यहाँ A02 की भी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब हम ये चाहते हैं कि जब हम रिपोर्ट डिजाइन करें तो जो हम डेटा सेलेक्ट करें सिर्फ उसी का रिजल्ट जो है प्रिंट होकर आए, सारा नहीं प्रिंट होकर आना चाहिए, खाली उसी का प्रिंट होना चाहिए जो हम सेलेक्ट करें। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए क्वेरी बनाइए। क्वेरी कैसे बनेगी? क्रिएट पे जाइए, क्वेरी डिजाइन पे जाइए और यहां से आपको दोनों टेबल्स ले लेने हैं, लाइक ये भी और ये भी, दोनों टेबल हमने ले लिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि हम कस्टमर आईडी की बेस पे सर्च करें, तो कस्टमर आईडी ले लिया, ठीक है, कस्टमर नेम ले लिया, सिटी ले लिया, फिर यहाँ पे बाकी की चीजें तो पहले से ही है, प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हैं आप, प्राइस ले सकते हैं, यूनिट ले सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, ये सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट का भी हमने टोटल कर देते हैं, टैक्स इन परसेंट कर देते हैं, टैक्स अमाउंट कर देते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, एक यहाँ पे लिखना है ऐसे, फॉर्म के अंदर हम सर्च करेंगे, तो ये जो फॉर्म हमने अभी बनाया इसी के अंदर हम सर्च करेंगे। और कहाँ से सर्च करेंगे? हम सर्च करेंगे ये जो सब फॉर्म है ना, इसी में जाके सर्च करेंगे, ठीक है, ये जो सब फॉर्म है इसी के अंदर जाके सर्च करेंगे। और किसके बेस पे सर्च करना है? आईडी के बेस पे, कस्टमर आईडी, किसके बेस पे? कस्टमर आईडी के बेस पे। तो ये कस्टमर आईडी हमने कर दिया, बस अब आपको करना है सेव। तो ये क्वेरी वन है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कस्टमर क्यू, कर दिया हमने इस तरीके से। अब देखिए ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आते हैं कस्टमर टेबल पर और यहाँ से कस्टमर वन या टू सेलेक्ट करते हैं, तो अभी पहले रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। तो अब हमें रिपोर्ट जनरेट करना है, तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्रिएट पे चलेंगे और फिर रिपोर्ट विजार्ड पे जा सकते हैं आप, ठीक है, या रिपोर्ट डिजाइन पे भी जा सकते हैं। तो चलिए रिपोर्ट विजार्ड पे जाते हैं, तो इसी के ऊपर हम रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं पूरा, यही है ना, Q1 नाम दिया था हमने, याद है ना आपको। तो ये हो गया, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और कस्टमर आईडी के ही तो बेस पे हमें सर्च करना है, इसी को प्रायोरिटी देनी है, ये ले लिया हमने। यहाँ से आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देख लीजिए, प्रोडक्ट नेम के बेस पे कर देता हूँ ये, और यहाँ पे जाकर के फिर आउटलाइन कर देता हूँ और फिर इस तरीके से इसे मॉडिफाई डिजाइन इस तरीके से जाके इसको फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। और इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको करनी होंगी, लाइक ये सब जो है एडजस्ट करना होगा, नहीं तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा। जब आप इसको यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो ये जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, लाइक ये देखिए यहाँ पे जाकर के और यहाँ पे आए। अब मान लीजिए आपको क्या देखना क्या है, लाइक A01 का देखना है, तो यहाँ पे A01 टाइप कीजिए और A01 की पूरी डिटेल आपके सामने आ गई है, इनका नाम क्या है, क्या सारी डिटेल जो है आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, A01 आया है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए A01 का ना देखना हो, अच्छा प्रिंट देना है तो प्रिंट दे सकते हैं, यहाँ से जाके प्रिंट दे दीजिए, यहाँ पे जाइए फाइल पे और यहाँ से जाकर के और ये प्रिंट जो दिख रहा है ना यहाँ पे आइए और ये प्रीव्यू देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे चूंकि ये देखिए इस तरीके से ये प्रीव्यू आ जाएगा और इसमें सेटिंग कर लीजिए आप, यहाँ से मार्जिन वर्जिन घटा बढ़ा लीजिए आपको, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसमें जो है यहाँ से पेज सेटअप पे जा सकते हैं आप, पेज सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए टॉप में कितनी मार्जिन है और ये सब चीजें दिख रही है आपको। तो यहाँ से मैं लेफ्ट की मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ या राइट की मार्जिन थोड़ी कम कर देता हूँ, तो राइट की मार्जिन मैं कर देता हूँ 3.35, ठीक है, और यहाँ से लेफ्ट की मार्जिन कर देता हूँ 4.45, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से अब इसको लेके आता हूँ, ओके, तो ये देखिए साइड का स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया। अब बाकी हमारा डेटा तो इतना ही है, प्रिंट होके आ ही रहा है, आप देख सकते हैं यही तो हमारा डेटा है। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये यही तो हमारा डेटा है और ये सेम डेटा तो प्रिंट हो रहा है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अगर इस एप्लीकेशन से क्विट होना चाहते हैं तो यहाँ से क्विट हो सकते हैं, यस करेंगे तो क्विट हो जाएंगे, यस यस। तो ये देखिए ये एप्लीकेशन से आप क्विट हो गए। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा का पूरा जो है वीडियो है जो कि सॉफ्टवेयर बनाने को लेकर के है, और इसी तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।